फिल्म और टीवी शो से जुड़े वर्करों के साथ अब प्रोड्यूसर और टीवी चैनलों की मनमानी नहीं चलेगी। शूटिंग में काम कर रहे कामगारों को न्याय दिलाने के लिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने अपनी कमर कस ली है। फेडरेशन ने तलखी दिखाते हुए टीवी चैनलों और शो के प्रोड्यूसर को हिदायत दी है। फेडरेशन से जुड़े सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेट पर काम करने वाले लोगों को महीने में 4 छुट्टी देना होगा। अगर किसी चैनल या प्रोड्यूसर ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है लेंगे, साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फेडरेशन बनी है मेंबरों के शोषण, जो भी मेंबरों का शोषण होता है उसको बचाने के लिए। फेडरेशन एक 32 एसोसिएशन की मदर बॉडी है जिसमें लगभग 5 लाख लोग हैं। फेडरेशन हमेशा अपने मेंबरों के हक के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। जिस तरीके से दुर्घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और हम सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को गलत इसमें साबित नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग चैनल और प्रोड्यूसर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और जो हमारे और प्रोड्यूसरों के बारे से एग्रीमेंट बना हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जो भी प्रोड्यूसर या चैनल इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम लोग काफ़ी मीटिंग करके हमने हो गए कि मीटिंग, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर ठीक से बातें नहीं माना। यहाँ तक कि कुछ प्रोड्यूसर अपने भी एसोसिएशन जो प्रोड्यूसर बॉडी है उनकी भी बातें नहीं मानते। अब उनके खिलाफ हम हर जगह जरूरत पड़ेगा तो पुलिस, फूड डिपार्ट, बीएमसी डिपार्ट या गवर्नमेंट से सबसे सहयोग लेकर के उनके खिलाफ हम हर तरीके से जरूरत पड़ेगा मानवाधिकार और हर जगह हम जाएंगे और आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। अगर किसी भी सेटों पे ऐसी दुर्घटना हुआ तो उनके खिलाफ हम जब तक क्रिमिनल केस नहीं होएगा तब तक उस परिवार के साथ पूरी फेडरेशन, पूरी 32 एसोसिएशन साथ में खड़ी रहेगी। अंधेरी में फेडरेशन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि शूटिंग में शिफ्ट टाइमिंग से ज़्यादा समय तक मजदूरों से काम कराया गया तो भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रोड्यूसर और टीवी चैनलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वर्करों को शूट के दौरान पौष्टिक आहार, बीमा और तय समय पर पेमेंट मिले। संगठन ने कहा कि हमारे साथ 5 लाख से ज़्यादा मजदूर हैं, इन्हें खुद का घर मिले इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पहले चरण में मजदूरों के लिए दादा साहेब गृह निर्माण योजना के तहत 10,000 से ज़्यादा घरों की मंजूरी सरकार की ओर से मिली है। डीआरवी न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।